पप्पू गली में पेशाब कर रहा था, तभी वहाँ एक लड़की आ गई। पप्पू को पेशाब करता देख लड़की वहीं रुक गई। पप्पू डरिए मत, आप जिसे डर रही हैं मैंने उसे पकड़ रखा है। लड़का बाबू आई लव यू। लड़की ये सच वाला है कि कुछ चाहिए? लड़का हमेशा सच वाला ही होता है बाबू, और ये सुपर सच वाला है। लड़की लगता है छोटू को बड़ा हुए काफ़ी दिन हो गए। लड़का तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो। लड़की उल्टा ना सोचो तो तुम कभी भी उल्टी करवा दोगे। टीचर बिकनी क्या है? बच्चा बिकनी वह पोशाक है जिसमें लड़की के शरीर का 90% हिस्सा दिखता है, फिर भी लोग की नज़र 10% पर ही टिकी रहती है। टीचर ने लड़के को मुर्गा बना दिया। बापू कल रात घर क्यों नहीं आया? पप्पू वह मैं दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था। बापू तेरी रात की दारू उतरी नहीं क्या अभी? पप्पू क्यों बापू? बापू कमीने तेरी पढ़ाई खत्म हुए 4 साल हो गए, अब तो तू नौकरी करता है। बिन बुलाए किसी की शादी में चला गया था, पूछने पर कह दिया कि लड़की बालों की तरफ से हूँ। सालू ने बहुत मारा, बाद में पता चला दोनों तरफ से लड़के हैं, लड़की है ही नहीं। गांव की महिला अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी, उतने में शहर की महिला बोली हगीस नहीं है? गांव की महिला नहीं, वो तो उसने सुबह ही कर दिया था, अभी तो सिर्फ मुटीस है। एक छोटा बच्चा दुकानदार से अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार हाँ है। बच्चा जो साले लगाते क्यों नहीं, रोज डर जाता हूँ। रोटी के बाद सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली चीज़ कसम है, गुटखा अभी भी तीसरे नंबर पर है। कुछ लड़कियाँ परीक्षा में इतनी सज सवर की आती है कि समझ नहीं आता खुद पास होने आई है या दूसरों को फेल करने आई है। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, परेशान होकर लड़की ने मुंह धोकर दिखा दिया। कहानी खत्म। 1980 में सुहागरात से पहले दुल्हन को उसकी सहेली कहती थी चिल्लाना मत, जो करे उसे करने देना। 2021 में सुहागरात से पहले उसकी सहेली कहती है जोर जोर से चिल्लाना ताकि उसको लगे कि वो ही ओपनिंग बैट्समैन है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।